खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में 2022 सामान्य विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है एवं तृतीय चरण की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मियां अपनी लगातार रफ्तार पकड़ने लगी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपना अपना भाग्य आजमाने में लगे हुए हैं और अपना अपना नामांकन पत्र जमा कर रहे हैं। ये प्रतिक्रिया लगातार जारी है, जिसमें ललितपुर 226 विधानसभा सीट और 227 महरौनी विधानसभा सीट से राजनीतिक दल के अलावा भी निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन प्रस्तुत किया, जिसमें सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद रहे कुंवर सुजान सिंह बुंदेला के पुत्र चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा ने बीएसपी समर्थकों एवं अपने सहयोगियों के साथ बहन जी का आदेश है कि जनता के बीच में रहो और जनता की मदद करो, जनता की सेवा करो और चुनाव जीत के आओ और उसके बाद विकास करो। निर्दलीय राहुल कुशवाहा ने अपना अपना नामांकन प्रस्तुत किया। तो वहीं 227 महरौनी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी से किरण रमेश खटिक ने देखिए मतदाताओं के बीच में हम लोग जो उम्मीद लेकर आए, आज जिस तरीके से मेरे परिवार के साथ जो मेरे पिताजी को जेल भेजने का काम किया है कि उसके खिलाफ हम लोग अपनी माताजी को लेकर आए हैं, जो हमारे साथ मेरे परिवार के साथ ये जो सरकार में बैठे हुए लोगों ने जो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आज मेरे पिताजी को जो जेल में डाल के रखा है निर्दोष होने के बावजूद भी, इसीलिए हमें माताजी को लेके आने पड़ा है। एक नारे दिया था आपने कि जनता जवाब देगी महरौनी विधानसभा में, तो उसका नारे का उद्देश्य क्या है? ये प्रत्याशी ही जनता का है, उसका उद्देश्य यही है कि जनता जवाब देगी। जो अन्याय करेगा अन्याय के प्रति जवाब देने के लिए जनता ही जवाब देती है हमेशा, ना कि हम जनता के पीछे हैं। और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हमारी जो सोच है कि महरौनी विधानसभा के लिए सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज होना चाहिए बड़ा सा, दूसरा इंटर कॉलेज होना चाहिए, शिक्षा से संबंधित डिग्री कॉलेज होना चाहिए, और उससे भी मेरी ख्वाहिश ज़्यादा है कि महरौनी में कभी ईश्वर चाहेगा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी को मैं प्रस्ताव भेजकर इस महरौनी विधानसभा के लिए के इंजीनियर कॉलेज भी दिलवाने का काम करूंगा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ब्रजलाल खाबरी, हम विधानसभा के मतदाताओं के बीच में एक नहीं अनेकों मुद्दे लेके गए हैं। जैसे एक प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है, प्रियंका जी ने प्रतिज्ञाएं ली हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है हमारी, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि हम 40% महिलाओं को अपने अन्याय अत्याचार उत्पीड़न को रोकने के लिए विधानसभा में भेजेंगे। तो उन्होंने पहली लिस्ट में 40% महिलाओं को टिकट दे करके इस लड़ाई को धार दी है। दूसरा उन्होंने कहा है इस महंगाई में कमर तोड़ जो महंगाई है, गरीब बिल्कुल पलायन की स्थिति में है, तो उनको ध्यान में रख करके उन्होंने गैस सिलेंडर 3 फ्री किए हैं साल में, जो भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दे करके गैस सिलेंडर बांट करके उनसे वसूली करके आज 1,000 रुपये का एक सिलेंडर पड़ रहा है, तो गरीब आदमी वो सिलेंडर तो भरवा नहीं पा रहा, सब घर में रखे हैं। तो प्रियंका जी ने कहा कि हम 3 गैस सिलेंडर उनको फ्री देंगे अगर हम सरकार में आते हैं, हम रोज़गार देंगे अगर हम सरकार में आते हैं, हमने किसानों का कर्ज माफ़ करने का है सरकार में आते हैं, हमने जो गेहूं है और धान है इसकी MSP नहीं मिल रही है किसान को, तो हम 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से धान और गेहूं खरीदेंगे, 400 रुपये कुंटल के हिसाब से गन्ना खरीदेंगे। इस तरीके की उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं उन प्रतिज्ञाओं को ध्यान में रख करके जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे लोग बड़ी उम्मीद के साथ सुनते हैं और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस आई तो बनेगा। और आम आदमी पार्टी से मैं संजय खान तालबहट ललितपुर 226 विधानसभा से कल नामांकन करने जा रहा हूं। आप सभी नगरवासियों से विनम्र आग्रह है कि इस बार हमें मौका जरूर दें। गणेश रजक तथा निर्दलीय उम्मीदवार कैलाश नारायण ने अपना अपना चुनावी नामांकन पत्र जमा किया। सभी ने अपने चुनाव लड़ने के संदर्भ में अपनी अपनी प्रतिक्रिया बताई।
कि वह आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या रहेगा उनका एजेंडा। देखिए ललितपुर लाइव टीवी की रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ रवि चुंगी की खास रिपोर्ट। ललितपुर प्रगति रक्तदान सेवा समिति द्वारा समिति के महत्वपूर्ण बैठक में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की महिला विंग अध्यक्ष के रूप में सोनम झा को किया गया मनोनीत। प्रगति रक्तदान समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने किया उन्हें महिला विंग का अध्यक्ष घोषित और ममता राजपूत को उपाध्यक्ष। प्रगति रक्तदान समिति के सभी सदस्यों ने महिला विंग के अध्यक्ष बनने पर सोनम झा और ममता राजपूत को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेखवार की रिपोर्ट। समिति में मैं पिछले 2 सालों से हूँ और देखा जा रहा है कि ये कार्य मतलब लोगों बहुत निष्ठा से करते हैं, क्योंकि एक बार रक्तदान की कीमत क्या होती है ये उस व्यक्ति से पूछिए जिसको इस चीज़ की कमी होती है। तो हमारा सहयोग है कि पुरुष तो अभी तक रक्तदान कर ही रहे थे, साथ ही साथ अब हम चाहते हैं कि महिलाओं को भी हम इसलिए जागरूक करें कि वो रक्तदान करें और लोगों के साथ अपना योगदान दें लोगों को, ताकि किसी का भी जीवन अगर बचता है तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, और हम चाहते हैं कि हम इसमें निरंतर प्रयास अपना बनाए रखें। आपका क्या कहना? ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव और अवैध शराब के कारोबारियों पर लगाम लगाए जाने के उद्देश्य को लेकर जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के मऊ माफी कबूतरा डेरा पर पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त की टीम ने कबूतरा डेरा पर छापामार कार्रवाई करते हुए 1000 लीटर अवैध कच्ची शराब और 9000 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया तथा इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करते हुए मौके पर 3 महिलाओं सहित 1 कबूतरा जाति के अभियुक्त को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेखवार की रिपोर्ट। मऊ माफी कबूतरा डेरा पर संयुक्त टीम, आबकारी निरीक्षक SDM महोदय और कोतवाल साहब श्री विनोद कुमार मिश्रा जी, मैं पुलिस फोर के साथ दबिश दी गई। दबिश के दौरान 1000 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। मौके पर 9500 लीटर लहन नष्ट किया गया और शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया गया। मौके पर 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए जिसको विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर जिले के थानाबार अंतर्गत आगामी माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन और थानाबार पुलिस ने अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ पैदल मार्च कस्बा बार, मेन बाजार, ग्रामीण, फुलवारा, सेमरा डांग, मथुरा डांग, बस्त बगव आदि गाँवों में थाना प्रभारी श्री सुनील कुमार तिवारी एवं उप निरीक्षक अनिल कुमार एवं उदयवीर सिंह पुलिस और CRPF के जवानों के साथ पैदल भ्रमण कर लोगों से शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ब्लॉक बार से श्री लक्ष्मण सिंह गुंदेला की रिपोर्ट। मैं इंस्पेक्टर हूं बात होने के। ललितपुर जिले के थानापुरा कला क्षेत्र अंतर्गत नथीखेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज पंकज माथुर सहित पुलिस बल के साथ वहां के आसपास क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र और अटाघाट मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले बॉर्डर का भी मौके पर पहुंच कर मौका मुआयना किया गया और बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इलाके में लगातार निरीक्षण जारी है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूरा कला से दीपू गुप्ता की। ललितपुर जिले के थानापुरा कला क्षेत्र अंतर्गत प्रभारी राजकुमार यादव और नथीखेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज पंकज माथुर सहित पुलिस बल के साथ क्षेत्र में पहुंचकर वहां के आसपास क्षेत्र का भौगोलिक निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने पूरा कला क्षेत्र से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले बॉर्डर का भी मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इलाके में लगातार निरीक्षण जारी है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूरा कला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के कस्बा जखौरा में आगामी माह होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कस्बे में शांतिपूर्वक माहौल में मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन और जखौरा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस बल और अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ कस्बा जखौरा के बस स्टैंड से राजकीय इंटर कॉलेज और बस स्टैंड से छोटा बाजार होते हुए बड़ा बाजार सहित पूरे कस्बे में पैदल भ्रमण कर लोगों से शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की।
और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जखौरा से उमाशंकर सोनी की रिपोर्ट। ये मामला ललितपुर जिले के राजघाट रोड स्थित ग्राम काला पहाड़ स्थित मारवाड़ी में तैनात लेखपाल की वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगी हुई थी और वह देर रात को ड्यूटी करके लौट ही रहा था। अचानक रास्ते में ग्राम मारवाड़ी के पास उनका किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया और अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर मौके से भाग गया। जैसे ही जानकारी परिजनों को लगी तो तुरंत इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतक के भाई का क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। कल रात को हमारे बड़े भैया श्री राजेश माली अपनी ड्यूटी से मड़वाड़ी काला पहाड़ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। तो जिला अस्पताल में झांसी के लिए बोल दिया गया कि झांसी ले जाइए उन्हें, तो झांसी जाते ही उनकी आधी रात को मौत। लेखपाल पत्रकार ये मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के तालापुरा इलाके के रामलीला मैदान के पास का है, जहां रात में शराब के नशे में चूर एक तेज गति से अनियंत्रित कार चालक ने अपनी बाइक से घर जा रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई तथा बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद कार एक मकान से जा टकराई। तो वही इस घटना को लेकर मोहल्ले वासियों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवाया गया और शराबी कार चालक को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस को चकमा देकर शराबी युवक कार वहीं छोड़कर मौके से रफू चक्कर हो गया और पुलिस चक्कर गिन्नी बनी, उसे ढूंढती रही। फिलहाल अचानक घटित घटना इस घटना से मोहल्ले वासी दहशत में आ गए थे। ललितपुर के लाइट चौराहा स्थित आनंद बजाज शोरूम पर आज दो पल्सर रेसर गाड़ियों की लॉन्चिंग संपन्न हुई, जिसमें 250F पल्सर एवं 250N पल्सर बेहतरीन कलर और पावरफुल इंजन के साथ प्रस्तुत की गई, जिसे युवा वर्ग की लोगों की पहली पसंद मानी जाती है। जिसे खूबियों के साथ बजाज कंपनी ने दो गाड़ियां लॉन्च की हैं, जो सभी को आसानी से आनंद बजाज शोरूम से खरीद सकते हैं एवं साथ ही फाइनेंस की सुविधा भी यहां मौजूद है। यहां पर मात्र 6.2% सालाना ब्याज की दर से मात्र 5% पेमेंट जमा करके 95% राशि फाइनेंस कंपनी द्वारा की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। इसमें क्योंकि ये एमआई सिस्टम में आपको तीन लीटर पेट्रोल आपको कंधे में रखना पड़ेगा। इस गाड़ी की विशेषता ये है कि कोई भी प्रो बाइकिंग गाड़ी है, मोबाइल चार्जिंग नहीं आता है। इसमें मोबाइल चार्जिंग का एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है ताकि आप लोग गाड़ी चलती गाड़ी में भी अपना मोबाइल चार्ज कर सके। ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है, जिसके चलते आज समिति के सदस्य सोमिल जैन ने किया रक्तदान। उन्होंने गर्भवती महिला जो कि जिला अस्पताल में भर्ती थी और प्रसव के दौरान उसे ए पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता हुई, परिवार वालों ने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया जिसमें किसी का भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव नहीं निकला, जिसकी जानकारी समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर को भी मिली। उन्होंने तत्काल ब्लड बैंक पहुंचकर समिति के सदस्य सोमिल जैन द्वारा प्रदान करवाया। इस मौके पर प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर, महिला अध्यक्ष सोनम झा, उपाध्यक्ष ममता राजपूत ने रक्तदान महादान करने वाले सोमिल जैन का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मनोज खटिक, मुरारी कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। ललितपुर जिलाधिकारी के निर्देशन पर जनपद में 100% COVID-19 टीकाकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत नोडल अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी JS बख्शी एवं VEO योगेंद्रनाथ एवं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वीरपाल कुशवाहा की मौजूदगी में कंपोजिस्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय डुलावन में 14 से 18 वर्ष के 20 बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। विद्यालय के शिक्षकों ने चिकित्सक टीम के साथ गांव में मोहल्लों में जाकर अभिभावकों से संपर्क करके बच्चों को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित किया। विद्यालय के अभिभावकों से अपील की जो बच्चे वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए
उन्हें वैक्सीन सेंटर विद्यालय में भेजकर सुरक्षा कवच जरूर ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा में समाजवादी पार्टी से मेहरोनी विधानसभा 227 से अधिकृत प्रत्याशी रामविलास रजक का मंडावरा तहसील क्षेत्र के गांव में सघन जनसंपर्क अभियान हुआ तेज। इस दौरान चुनाव प्रचार पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। ललितपुर लाइव टीवी के प्रकाश राय की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के बिरदा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम बहनसाई गांव में दबंगों द्वारा किसान की खड़ी फसल उजाड़ कर किया जा रहा है अवैध खनन। इस मौके पर पहुंचे खेत के मालिक द्वारा जिला अधिकारी को फोन पर दबंगों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन की जानकारी दी गई, जिसे जिलाधिकारी आलोक सिंह ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। इसके चलते पुलिस चौकी बिरदा इंचार्ज संदीप सिंगर एवं खनिज अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई की और मौके पर दो डंपर और एक जेसीबी को अवैध खनन करते हुए जेसीबी मशीन और डंपर को जब्त कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन दबंगों की अवैध खनन से किसान की फसल चौपट हो गई।